कृपा सिंधु बेवच पतितनाम पापने वैष्णवे नमो नमः। आप सबका हरे कृष्ण कल्चर और साधना टेलीविजन पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम भगवद गीता के चौथा अध्याय का दूसरा श्लोक का वर्णन कर रहे हैं। चौथा जो अध्याय है दिव्य ज्ञान, भगवान कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्त इमं राजेश विदु सकेले न मैं तो योग नष्ट परम तपः। कि अर्जुन, ये जो ज्ञान है, मैंने परंपरा में, गुरु परंपरा में ये ज्ञान आता है, और इसी तरह राज ऋषियों ने, राजाओं ने जो कि ऋषियों की तरह रहते थे, उन्होंने जो ज्ञान है समझा है। परंतु ऐसा लगता है कि ये जैसे कई बार नष्ट हो जाता है, क्योंकि जब ये जो ज्ञान है कभी इसकी जो व्याख्या है गलत व्यक्ति करने लग जाए, या जो शिष्य जो गुरु परंपरा का उल्लंघन कर दे, तो उससे ये ज्ञान नष्ट होना जाना लगता है। तो आगे इसी चैप्टर में आगे जब हम बताएंगे कि कैसे भगवान कहते हैं कि धर्म संस्थापनाय संधामि युगे युगे, किस तरह वो हर एक युग में जहाँ स्वयं आते हैं या अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं और इस ज्ञान को इस दोबारा स्थापित करते हैं। और पिछले दो तीन सप्ताह से मैं आपके पास जो मायावाद है उसके विषय में वर्णन कर रहा था कि जो मायावाद फिलॉसफी है, चेतना महाप्रभु ने उस सिद्धांत को हमको सुनने से वर्जित किया है कि आप उस ज्ञान को मत सुनिए। मायावादी भाष्य सुनने हुए सर्वनाश, जो भगवान की कथा जो मायावादी के मुख से सुनता है उसकी जो अध्यात्म जीवन है उसका नाश हो जाता है। नाश भी नहीं, चेतना महाप्रभु ने शब्द यूज किया सर्वनाश, कि आपके अध्यात्म जीवन का सर्वनाश हो जाता है। उसके विषय में हमारे शास्त्र बताते हैं कि अवैष्णव खोद किन्नम पूतम हरि कथा शरण न कर्तव्य सत्पोचिष्टम यथाया। कई बार मायावादी लोग भी जिनका जो गंतव्य है ब्रह्म ज्योति में लीन होना, ब्रह्म ज्योति में समाना, वो भी कई बार भगवान विष्णु का या कृष्ण का या राम का नाम लेते हैं, परंतु वो जो नाम है वो दूषित करके लेते, उसकी जो सिद्धांत है उसको बिगाड़ देते हैं। और इसलिए चेतना महाप्रभु ने हमको आदेश दिया है कि जो भगवान का नाम है वो केवल शुद्ध भक्त से सुनना चाहिए। और आप वो ज्ञान शुद्ध भक्त नहीं सुनते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो क्या है, अवैष्णव मुखोद गिन्नम पूतम हरि कथा। जो अवैष्णव के मुख से हरि की कथा सुनेगा, विष्णु की कथा सुनेगा, अवैष्णव मुखोद हिरनम पूतम हरि कथा शरण कर्तु सर्वोच्चिष्टम यदा। जैसे दूध पवित्र होता है मगर दूध को सांप कभी मुंह लगा दे तो वो दूध विषैला हो जाता है, तो इसी तरह भगवान के जो नाम है, भगवान की जो गुण है, भगवान की जो लीलाएं हैं, जो मायावादी लोग हैं उसको त्रोड़ मरोड़ कर भगवान की लीलाओं को, भगवान के नाम को, भगवान के गुणगान को, उसको गलत सरह से प्रस्तुत करके जो जीव है उसका अध्यात्म जीवन को उससे उनके लक्ष्य से वो उसको भटका देते हैं। जैसे उनका एक मानना है कि पंचदेव उपासना, जो पंच उपासना है, मायावादी लोग कहते हैं कि हमको किसी भी देवता की पूजा कर ले और सब रास्ते एक ही हैं, और स्पेसिफिकली वो जो मायावादी लोग हैं वो पंच उपासना, पंच देव उपासना करते हैं, विष्णु की, दुर्गा की, शिव की, गणेश की और सूर्य देव पांच, आप ब्रह्म ज्योति की। तो उनका जो धारणा है कि आप किसी भी देव को, आप 33 करोड़ देवी देवताओं से एक देवता को आप इष्ट बना लो और उसकी पूजा करो, बात एक ही है और जो गोल है उसका, जो लक्ष्य है वो एक है। उदाहरण देते हैं कि जैसे एक पहाड़ है, ऊंची चोटी पे जाना है, कोई भी रास्ता ले जाओ सब लोग ऊंची चोटी पर पहुंच जाएंगे। या दूसरा वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे नदियां हैं, सब नदियां जाके एक दिन समुन्द्र में मिल ही जाती हैं, तो आप किसी भी नदी में चले जाओ
वो मिल जाती है, परंतु ये धारणा ठीक नहीं है। सब रास्ते एक नहीं है। क्यों? क्योंकि कई रास्ते रास्ते में ही रुक जाते हैं, कई नदियां रास्ते में ही रुक जाती हैं। नदियां तो चलती हैं परंतु रास्ते के अंदर ही रुक जाती हैं। कई बार वो नदी नाले किसी दूसरे जलाशय में चले जाते हैं और वो पहुंचते ही नहीं है। परंतु ये तो एक उनका समझाने का एक तरीका है, मगर पंच उपदेव उपासना या किसी भी एक देव को इष्ट मानकर उसकी पूजा करना एक ही बात है। उसका भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में खंडन किया है। भगवान कहते हैं, यान्ति देवता देवान पितृं जानति पितृ बदा भूतानि जानति भूतेजा जानति बदा जनोपि। भगवान कहते हैं जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक में जाता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक में जाता है, जो भूत प्रेत की पूजा करता है वो भूत प्रेतों के पास जाता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। ये तो साधारण सी बात है। आप कोई अपने बगीचे में कोई पौधा लगाते हैं, आप आम का पौधा लगाएंगे तो आपको आम मिलेगा, आप अमरूद का पौधा लगाएंगे तो आपको अमरूद मिलेंगे, आप बबूल लगाओगे तो आपको बबूल मिलेगा। ये थोड़ा कि कोई भी आप पौधा लगा लो सब फल एक ही निकलेंगे। संसार में कुछ भी एक नहीं है। कई बार मैं एग्जांपल देता हूं, आप हमारे खुद चेहरे के अंदर, हमारे जो शरीर के अंदर, हमारे जो अंग हैं, हमारे दो हाथ हैं, वो भी एक नहीं है। हमारे जो जैसे दो कान है, आंख है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा भेद है। सब रास्ते एक नहीं है। आप एयरपोर्ट पे जाइए, आप देखेंगे कितने ही जहाज खड़े हैं, सब जहाज एक जैसे ही लगते हैं। या आप ट्रेन स्टेशन पे जाइए, सब ट्रेनें एक जैसी लगती हैं। या बस स्टैंड पर जाइए, वहां पर भी सब बसेस तो एक जैसी दिखाई देती हैं, मगर सबका लक्ष्य एक अलग अलग है। कोई बस किसी शहर में जा रही है, कोई बस किसी शहर में जा रही है, कोई बस किसी शहर में जा रही है, दिखाई एक ही जैसी दिखाई देती है, परंतु वो अलग अलग हैं। अब आप टिकट खरीदिए टोक्यो की, और तो आप टोक्यो पहुंचेंगे। आप टिकट खरीदेंगे न्यूयॉर्क की, तो आप न्यूयॉर्क जाएंगे। दिल्ली की टिकट खरीदेंगे या पेरिस की टिकट खरीदेंगे, जहां की टिकट खरीदेंगे वही तो जाएंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि टिकट आप एक ले लो तो कोई भी टिकट सब एक ही बात है। एक बात नहीं है। भगवान ने इसका खंडन किया है। और जो देवी देवता हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनको भगवान की तरह मानना कि वो भगवान की तरह ही हैं, स्वामी और नौकर में फर्क है। ये कोई बड़ी कंपनी है, उसका एक स्वामी है, उस कंपनी में अलग अलग उसके प्रतिनिधि हैं, कोई मैनेजर है, कोई वहां पर चपड़ासी है, कोई वहां पर क्लर्क है, कोई वहां का वो सफाई करने वाला कर्मचारी है। अलग अलग कर्मचारियों के पास अलग अलग, जितने भी कर्मचारी हैं सबके पास अलग अलग बात है। ये थोड़ी है कि सब कर्मचारी जितने भी उस कंपनी में काम करते हैं वो सब वो उसके स्वामी की तरह ही हो गए। और देवी देवता जो है, जो भागवत के जो दूसरा स्कंद है और तीसरा अध्याय जो है शुद्ध भक्ति, तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में, उसमें पूरा श्लोक लिखा गया है। और पूरा मेरे पास हिंदी में, वो मेरे सामने नहीं तो आपको पढ़कर बताता, मेरे पास हिंदी की भागवत नहीं, उसकी वो प्रति है जो मिल नहीं रही थी, मगर उसमें वहां कृष्णा जो भागवत का दूसरा जो स्कंद है, तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में शुद्ध गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बहुत डिटेल में बताया है कि कौन से देवता की पूजा करके कहाँ जो जो ये जो जो वस्तु चाहिए, अलग अलग देवताओं की पूजा करने के लिए जो उपासना के विषय में लिखा गया है। आपको
हेल्थ चाहिए तो आप इस सेहत चाहिए तो इस देवता की पूजा करिए, आपको अच्छी पत्नी चाहिए तो इस देवता की पूजा करिए, आपको धन चाहिए तो आप इस देवता की पूजा करिए। अलग अलग देवी देवताओं के पास अलग अलग पूजा लिखी गई है। जैसे सूर्य देव है और चंद्र देव है, ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, हमको रोशनी प्रदान करते हैं। पवन देवता है, हमको वायु, हमको ऑक्सीजन, हमको ये प्रदान करते हैं। अग्निदेव अग्नि प्रदान करते हैं। अलग अलग देवता जो है वो अलग अलग शक्तियां हैं उनके पास। और कभी हम जो पंच उपासना जो बोलते हैं सब एक ही बात है, एक बात कैसे हो सकती है? अभी आपको दवाई लेनी हो और आप सब्जी की दुकान पे चले जाओ, वहां पर तो सब्जियां पड़ी हैं, वहां से दवाई कैसे मिलेगी आपको? पंसारी की दुकान से पंसारी का सामान मिलेगा, दवाई की दुकान से दवाई का सामान मिलेगा, ऑप्टिशियन की दुकान से आपको एनके मिलेगी, अलग अलग जो स्टोर है उनके अलग अलग सामान मिलेगा। और भगवान कहते हैं कि जो इस तरह मानते हैं, यहां तक कभी देवी देवता को भगवान की तरह मान लिया जाए उसमें भी गलत है, तो भगवान उसके विषय में कहते हैं भजन्ते अविधि पूर्वकम, ये विधि ठीक नहीं है। भजन्ते अविधि पूर्वकम, ये अविधि है, ये गलत है। तो कहने का भाव जो है कि जो देवी देवताओं की पूजा है वो वहां पर देवी देवता के पास जाएगा। जिसका भी उपासक है व्यक्ति, कभी देवी का उपासक तो देवी के पास जाएगा। जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, अलग अलग लोक हैं, और जहां की पूजा करेंगे वहां पहुंच जाओगे। सब रास्ते एक नहीं है। भगवान की पूजा करो तो भगवान के पास आएंगे। कभी भूत प्रेतों की तांत्रिक पूजा की जाए तो भूत प्रेतों के पास जाएंगे, उसी योनि में जाएंगे। अब ये तो बात ठीक है, चलो गलती से कोई व्यक्ति मान लो, चलो ये बात मानकर देवी देवता की पूजा कर रहा है, तो एटलीस्ट आप देवी देवता के पास तो चले ही जाओगे। परंतु गलती से किसी गलत आदमी की पूजा कर ली, जैसे आजकल कोई नकली गुरु है, अब सब जो संसार है वो तो मानते वो हमारे गुरु असली हैं। अब कभी वो गुरु परंपरा में नहीं है, उसका भी वो व्याख्या है। मैं सारी जब गीता के चौथे अध्याय का भी जो चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जब 34वें श्लोक में आऊंगा तो वहां पर मैं आपको उसकी पूरी व्याख्या दूंगा कि गुरु की जो व्याख्या क्या है, प्रमाणिक गुरु क्या है। और कभी वो गुरु प्रमाणिक नहीं है, कभी किसी ने उसके प्रति आसक्ति बना ली है, और मरते समय यम यम वापी सुद भावम तजंते कलेवरम तम तम अवेति कौन था सदा तत्व भाविता। मरने के समय जिस तरह की स्थिति हमारी होगी, हमारा जो चेतना होगी, कॉन्शियसनेस होगी हमारी, जिस तरह पंजाबी में इसको सुरती बोलते हैं, हिंदी में चेतना बोलते हैं और इंग्लिश में कॉन्शियसनेस बोलते हैं, जिस तरह हमारा भाव होगा उसी तरह से हमको अगला जन्म मिलेगा। एक बार बॉम्बे में भक्तों ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी जिस तरह हम भगवान की पाठ पूजा करते हैं, जिस तरह हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं, जिस तरह हम एकादशी रखते हैं, जिस तरह जो जो नियम हम करते हैं ये लोग भी वही करते हैं, मगर ये तो किसी एक बाबा के नाम के ऊपर कर रहे हैं। अब शास्त्रों के हिसाब से वो बाबा तो गुरु भगवान नहीं है, मगर ऐसा लोग मानते हैं। अब काम वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, अब उनकी गति क्या होगी? अब वो अज्ञान है तो अज्ञानी लोग, उनको पता नहीं है कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, भगवान कृष्ण को छोड़कर उस बाबा की पूजा कर रहे हैं और सब कुछ करते हैं, वही आरती पूजा सब कुछ व्रत सब कुछ कर रहे हैं, मगर उस बाबा के लिए कर रहे हैं। अब मरते समय उनकी गति क्या होगी? क्या उनको भी भगवान की प्राप्ति होगी? प्रभुपाद जी ने कहा ना, उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कभी मरते समय उन्होंने उस बाबा का ध्यान कर लिया तो कभी जहां पर वो बाबा गया होगा वहीं पर वो व्यक्ति जाएगा। और प्रभुपाद ने कहा कहीं वो नरक में है तो वो व्यक्ति भी नरक में जाएगा। उसके प्रति एक महक को कई बार मैं ये कथा सुना चुका हूं, मगर पता नहीं आपको ये
यहाँ पर साधना टीवी पे सुनाई है कि नहीं। कोई अजगर था, अजगर को कोई अजगर बेचारे के ऊपर इतनी चींटियां लगी हुई थी, वो चींटियां खा रही थी उस अजगर को। अजगर बीमार लेटा हुआ, लंबा अजगर, बहुत 10-20 फुट लंबा अजगर बेचारा, और हजारों लाखों चींटियां, उस चींटियां उसको खा रही हैं। तो वहां से एक वैष्णव गुरु अपने शिष्य के साथ निकल रहे थे। जब उन्होंने अजगर की तरफ देखा तो हंसे, और हंस के मुस्कुरा कर केवल कृष्ण का नाम लेते हुए कृष्ण 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 करते हुए निकल गए। तो उनके शिष्य ने पूछा, महाराज कोई प्राणी दुखी है, भले ही अजगर है, मगर आप इस अजगर को देखकर हंसे क्यों? ये तो बहुत दुख पा रहा है बेचारा अजगर, किस तरह हजारों लाखों चींटियां उसको खा रही है, उसके शरीर से खून निकल रहा है, और आप देखकर क्यों हंसे? तो वैष्णव महाराज जी बोलते अपने शिष्यों को, अरे पुत्रों मैं ये अजगर पर नहीं हंसा, अजगर तो इसकी तो योनि है ही है गंदी, क्योंकि पिछले जन्म में ये भगवान को छोड़कर भगवान की निंदा कर करके भगवान के ऊपर ये है, और सब लोग मेरी आश्रय में आ जाओ तो लोग इसके आश्रय में चले गए, इसने शास्त्रों की और हमारे शास्त्रों की और गुरु की और भगवान की निंदा की, और निंदा कर कर अब उसको ये भले वो पिछले जन्म में बड़ा गुरु था, बड़ा ज्ञानी लोग समझते थे उसको, मगर क्योंकि वो एक निंदक था शास्त्रों का, वेद शास्त्रों का और भगवान का, विष्णु का, और ये जन्म उसको ये जो अजगर की योनि मिली है, और अजगर की योनि तो इसको तो मिल गई, मगर इसके साथ क्योंकि इस गुरु के साथ जिन जिन शिष्यों की आसक्ति थी वो सब चींटियां बनकर आई हैं और सब अभी भी इसके साथ चिपटी हुई है। तो मुसीबत ये है कि कभी किसी गलत व्यक्ति के चंगुल में फंस गए जो शास्त्रों के हिसाब से नहीं है, गुरु परंपरा में नहीं है, तो फिर गति तो वही होगी जो वैष्णव नहीं है, गति तो वही होगी जहां पर वो व्यक्ति जाएगा वहीं पर उसके शिष्य जाएंगे। और हमारे जो शास्त्रों में देवी देवता, एक बात और जरूर मैं बतलाना चाहता हूं, देवी देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं और 33 करोड़ हैं। आजकल एक नया वो कह सकते हैं आपकी एक धारणा नई शुरू हो गई है, उसको प्रभुपाद ने कहा मेंढक, मेंढक का सिद्धांत, मेंढक कुएं का मेंढक। आजकल लोगों ने जो कि गुरु परंपरा से ज्ञान नहीं प्राप्त करते, वैष्णव आचार्यों से, वैष्णव गुरु से, जो साधु से नहीं ज्ञान होता, तो उन्होंने एक नया धारणा शुरू कर दिया, और पर्टिकुलरली सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के ऊपर, कि ये 33 करोड़ देवी देवता नहीं है हिंदुओं में, ये 33 कोटि है, 33 तरह के देवता है। वो बोल देंगे जी 12 आदित्य है, 11 रुद्र है, 8 वसु है, और ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, बस ये 33 ऐसे 33 देवता है, बस ये 33 टाइप देवता है। 33 करोड़ तो हो ही नहीं सकते, 33 करोड़ तो बहुत होते हैं। वो उदाहरण ऐसा है, कोई मेंढक था, वो कुएं में रहता था, और एक बार एक समुद्र में से मेंढक आया, और उस मेंढक को मिलने के लिए आया जब कुएं वाले मेंढक को, तो कुएं में आता है तो मेंढक बहुत खुश होता है, अरे इतने बड़े समुद्र से ये मेंढक आया है, और उस मेंढक से पूछता है भाई तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? वो बोलता बहुत बड़ा है, समुद्र तो बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है? मेरे कुएं से दुगना बड़ा है, या मेरे कुएं से 3 गुना बड़ा है, या मेरे कुएं से 4 गुना बड़ा है। तो क्योंकि जो कुएं का मेंढक है वो सोच ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं है कि समुद्र क्या है, तो वो समुद्र की तुलना जो है वो अपने कुएं से करता है। तो इसी तरह जो आजकल के जो नए पढ़े लिखे थोड़े से सेकुलर लोग आए हैं, जो 33 कोटि निकाल रहे हैं, 33 टाइप निकाल रहे हैं, वो मूर्खतापूर्ण वो तर्क है, वो कुएं के मेंढक की तरह है। मगर हमारे शास्त्र में तो जनलोक, तपलोक, महरलोक, हमारे किन्नर हैं, हमारे यक्ष हैं, जो देवी देवता, केवल देवता नहीं, हमारे देवी और देवता बोलते हैं, देवियां साथ में हैं।
हमारे यहाँ पर कावन तो देवियां ही हैं हमारी, जो सिद्ध पीठे हैं हमारी यहाँ पर, और असंख्य देवियां हैं, असंख्य देवता हैं, जनलोक है, तपलोक है, महरलोक है, हमारे किन्नर हैं, यक्ष हैं, सब देवताओं के अंदर आते हैं। तो ये सिद्धांत ठीक नहीं। और उससे ऊपर विष्णु तो देवता है ही नहीं, विष्णु तो भगवान है। देवता तो एक टर्म है, वे देवता तो जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है, अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, उनको देवता कहा जाता है। जो सूर्य हैं, कश्यप मुनि की संतान हुई दिति और अदिति से, तो दिति के दैत्या बने और जो अदिति के पुत्र हैं वो देवता बने। तो हमारे 33 कोण ही देवता हैं। अब क्या किया जाए, यहाँ पर देवी देवताओं की पूजा करें कि ना करें, तो उसके विषय में भागवत के दूसरे स्कंद के 3वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है, अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति जो के जिजेत पुरुषम परम। किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए, कुछ भी वस्तु चाहिए, या वो इतना दुखी हो गया इस संसार से, वो बोलता है प्रभु मैं इस संसार से बहुत दुखी हूं, यहां बहुत दुखमय संसार है, मेरे को मोक्ष चाहिए। यहां को व्यक्ति को जो भगवान को जानता है बोलता प्रभु मेरे को कुछ भी मोक्ष भी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ कुछ पदार्थ भी नहीं चाहिए, मेरे कोई भी ऐसी कामना नहीं है, मेरे तो केवल आपके, मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरा ना कोई, मेरे तो केवल प्रभु आप ही हैं। तो उसके लिए यहां पर लिखा गया है तीव्रेण भक्ति जो जिन जिजेत पुरुषम परम। हर एक अवस्था में केवल भगवान विष्णु की कृष्ण की ही आश्रय लेना चाहिए, उनकी ही पूजा करनी चाहिए। हम उनकी पूजा करेंगे तो उसके लिए जो भागवत के 4वें अध्याय 31 जो है उसके 4वां स्कंद 31वें अध्याय के 14वां श्लोक जो लिखा गया है उसमें लिखा गया यथा त्रोर मूल नेना त्रिपंत गजोपशाखा। उसमें कहा है कि जैसे जो वृक्ष होता है उसकी जड़ को यथा त्रोर, त्रोर जो जड़ है, मूल नेना मूल मूल जो जड़ है, जैसे जड़ को पानी देने से त्रिपंती भुजोप शाखा, जो उसकी भुजाएं जो शाखाएं हैं उनकी टहनियां हैं उनके पत्ते हैं उनके जो फल फूल है सब तृप्त हो जाते हैं। आप देखिए जब ये गर्मी होती है तो जो सूख जाता है, जब भी उसको पानी जड़ को पानी देते हैं तो एकदम वृक्ष खड़ा हो जाता है। और पर्टिकुलरली इंडिया में जब बरसात का मौसम आता है तो आप देखते हो किस तरह सब जो इस तरह हरियाली छा जाती है, क्यों, उनकी वो जो तृप्ति हो जाती है वहां पर, जड़ को पानी जाता है, जब जड़ को पानी जाता है तो पत्तों को टहनियों को अपने आप पानी पहुंच जाता है। प्राणो हभार यथा इंद्रिय नाम, जिस तरह हम को भूख लगती है, अब जब भूख लगती है हमारी हमारी इंद्रियां जो हैं, हम हमको कमजोरी महसूस होती है, जब भी 2-4 दिन कोई व्यक्ति ना खाए और तो तुरंत क्या करता है व्यक्ति, तो अपने आहार आहार मुंह में डालता है अपना पेट, जब उनको प्राणो आहार यथा इंद्रिया नाम, जब पेट में जाता है भोजन जाता है तो इंद्रियां जो है एकदम सब इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं। तो शास्त्र में भागवत में कहें तथैव सर्व अरणम इच्युतेज्या, इसी तरह सर्व अरहनम सबकी पूजा हो जाती है। किसकी किसकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, अच्युतेज्या भगवान विष्णु की कृष्ण की पूजा करने से, उनकी भक्ति करने से सब देवी देवता पूज जाते हैं। सेपरेट पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि देवी देवता जो है वो भगवान की शाखाएं हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं। जब राजा को ही संतुष्ट कर दिया तो जो प्रतिनिधि होते हैं तो वो तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। जब व्यक्ति का राजा के साथ संबंध बन जाता है तो जितने भी उसकी जो पुलिस वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं, उसका सेक्रेटरी है, वो तो हाथ जोड़ेंगे। और भगवान कृष्ण की अचुतेज्या सर्व अरणम अचुतेज्या, सर्व अरणम सबकी पूजा हो जाती है केवल भगवान विष्णु की कृष्ण की पूजा करने से।
और आप देखते हैं कि जितने भी देवी देवता है सब लोगों के हाथों में माला पकड़ी है। शंकर जी के हाथ में भी माला है, ब्रह्मा जी के भी माला है, हनुमान जी के भी हाथ में है, देवी के हाथ में भी माला है, सबके हाथ में माला है, मगर केवल एक हमारे भगवान विष्णु का जो घर का रूप है, उनका पर्सनल रूप है कृष्ण का, केवल वही एक बंसरी बजाता दिखाई देता है, उसके हाथ में माला नहीं होती कभी, क्योंकि साक्षात नारायण खुद वही तो भगवान है। जो हमारे शास्त्र हैं, जो जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, सब भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, और इसलिए गीता के अंदर भगवान ने बतलाया गया है, बता भगवान एंड में भगवान ने बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी एक शरण में आ जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान ही जड़ हैं। भगवान की पूजा करने से, कृष्ण की, विष्णु की पूजा, जितने भी विष्णु के अवतार हैं, विष्णु के अवतार जो हैं वो देवी देवताओं के साथ समान नहीं है। भगवान कृष्ण के स्वयं अंश, स्वयं जैसे हम पृथक अंश, हम भी भगवान के हैं, हम भी भगवान के हिस्से हैं, देवी देवता भी भगवान के हिस्से हैं, पशु पक्षी जितने भी जीव हैं, वृक्ष लता पता सब भगवान के अंश हैं, परंतु हम पृथक अंश है। पृथक अंश कहते हैं सेपरेटेड पार्ट, सेपरेटेड पार्ट इन पार्ट्स। भगवान दो तरह एक्सपेंड करते हैं अपने आप को, इस तरह एक तो हम जो पृथक हैं, हम भगवान के सब पृथक, हम पृथक ही रहेंगे, यहां पर रहें या भगवान के धाम पर रहें, हमको कहते हैं तटस्थ शक्ति। तट तट जा तो जैसे समुद्र के ऊपर जाइए आप, समुद्र में जब जब लहर आती है तो कई बार वो तट को वो ढक देती है, या कई बार तट दिखाई देने लग जाता है। तो हमको हमारी हमारी डिजायर, हम कहाँ रहना चाहते हैं, भगवान ने हमको ये इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता दी हुई है कि तुमको भौतिक प्रकृति में रहना है या अध्यात्म प्रकृति में रहना है। भौतिक प्रकृति में रहना है जो कि देवी और शंकर जी के अंडर, ये 33 करोड़ देवी देवताओं के अंडर है, ये संसार है, यहाँ पर 84 लाख योनियां हैं, खूब आनंद करो, खूब दुख पाओ या सुख पाओ, जो मर्जी करो, यहाँ पर रहना रहो। और इसकी इस संसार से निकलना है, बढ़िया है, तो जो पराशक्ति है, जो अध्यात्म जगत है, जो राधा रानी जी के अंडर चलता है, और वही राधा रानी जो है लक्ष्मी बनकर एक्सपेंड करती है, और भगवान अपने को स्वयं विष्णु के एक्सपेंड करते हैं, वो भगवान का स्वयं अंश है, देवी देवता स्वयं अंश नहीं है। तो भगवान विष्णु जो है कृष्ण है, भगवान कृष्ण के जितने भी विष्णु रूप हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, और हमारे महाविष्णु, ये भगवान के जो नृसिंहा रामादि मूर्ति शुक्र नियम तिष्ठे नाना अवतारम क्रोध भुवनेशु, किंतु कृष्ण स्वयं परम भगवान जो गोविंदमादि पुष्यम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उस गोविंद की पूजा करता हूं जो कि राम नृसिंहा वरा मत्स्या कुर्मा, इस तरह अलग अलग अपने स्वयं अंश में विष्णु के अवतारों में प्रकट होते हैं, और स्वयं अवतारी जो है वो कृष्ण है, मैं उनकी पूजा करता हूं। शंकर जी कहते हैं देवी दुर्गा को राधना नाम सर्वेश्याम विष्णु राधनम परम तस्मात परम देवी तदिया नाम संवर्चना, हे देवी सबसे उत्तम जो पूजा है, जो भक्ति है, वो तो केवल नारायण की होती है, विष्णु की होती है। और जो व्यक्ति देवी देवता की पूजा करता है किसी ना किसी तरह, क्योंकि भगवान के वो अंश है, क्योंकि भगवान के वो प्रतिनिधि हैं, तो किसी ना किसी तरह अंत में वो भगवान के साथ उनका संबंध बन ही जाता है, भले वो गलत ढंग से भी करे देवी देवता की पूजा, फिर भी वो किसी ना किसी तरह भगवान के साथ जुड़े ही रहेंगे। ये तो हमारा, भले वो मायावाद भी हो, मायावाद हो, फिर भी मायावाद में फिर भी वो देवी देवता के पास तो जाएंगे ना, परंतु कलयुग के प्रभाव में अभी तो मायावाद की तो बात छोड़ी, आजकल तो नकली मायावाद है, उनका किसी गुरु परंपरा से संबंध नहीं है, यहां तक शंकराचार्य गुरु संप्रदाय से भी संबंध नहीं है। और कलयुग के प्रभाव में जो नकली मायावाद है, उनका उन्होंने जो भगवान को तो उसको कोई नुकसान नहीं है, जीव का बहुत नुकसान करते हैं,
क्योंकि जो नकली मायावाद है वो 200-400 साल से, 100 साल से, 200-400 साल से, 500 साल से ये नया ही मत शुरू है। कितने ही मत चले गए आजकल, और एक संत मत चला हुआ है संत मत के नाम के ऊपर, और संत मत के नाम पर उन्होंने जैसे वो नहीं, आजकल आप देखते हैं कि कुछ चीज लेके आने को चाइनीज माल होता है, जो एक तो होता है कि नकली माल होता है, नकली माल की कंपनी ने कुछ माल बनाया और बाद में नकली किसी कंपनी ने माल बना दिया, वो भी ठीक है, नकली तो है, चलो कोई बात नहीं, चलता तो है, मेरे एक चाइनीज नकली माल होता है, और चाइनीज नकली माल तो बहुत डेंजरस होता है, वो 2 दिन चलता है बस। और धर्म के अंदर भी आजकल ये नकली संत मत आ गया है। संत का अर्थ लिखा हुआ है शास्त्र के अंदर, संत स्तु विलोकंती जन श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषोत्तम बजामी। संत की परिभाषा दी गई है, संत की परिभाषा क्या है? संत सदैव हृदयेषु, सदैव 24 आवर, सदैव हृदयेषु, हृदय के अंदर किसको देखते हैं? लाइट को देखते हैं, ज्योत को देखते हैं? नहीं, किसको देखते हैं संत? संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ती यन श्याम सुंदर, श्याम सुंदर कृष्ण का ध्यान करते हैं 24 घंटे, ये संत की परिभाषा है। बचपन से ही कुछ हमारा एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा है कि ऐसे नकली संतों को हमने देखा, हमारे पिताजी ने हमको बचपन से ही सावधान किया हुआ था, जब से हमने होश संभाला है। और मैं आभार अपने पिताजी को कई बार 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 देता हूँ, कितनी बार, कि उन्हीं के कारण मेरे को प्रभुपाद जी का आश्रय मिला, उन्हीं ने मेरे को बचपन से ट्रेनिंग दी थी, बेटा जो साधु है, जो कृष्ण का जो भक्त है, वो एक अलग बात है, वो मिलना बहुत दुर्लभ है, और उसकी जो 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 उसकी क्वालिटीज थी, क्योंकि हमारे पिताजी ने वो बतलाई हुई थी, और वही मैं देखते देखते ढूंढते ढूंढते प्रभुपाद जी के चरणों में आ गया। और जब पिताजी को पता लगा कि मैंने प्रभुपाद जी के चरणों में, तो उनको बहुत आनंद आया, तो वो स्वयं भी प्रभुपाद जी के भक्त बन गए, और स्वयं भी वो प्रभुपाद जी की जो महामंत्र की जप करना शुरू कर दिया। और ये नकली संत क्या करते हैं आजकल, एक चला हुआ है इंडिया में तो बहुत ही बड़ा प्रपंड है, और पर्टिकुलरली पंजाब में, अकेले पंजाब में नहीं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह के इस तरह के संत निकले हुए हैं। मगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक संत थे, उन्होंने कहा कि किसी की निंदा नहीं करना ना, सबसे उनको अपने वो जो सत्संग, जो सत्संग तो केवल भगवान विष्णु का होता है, तो उन्होंने अपने प्रवचनों में बोलते किसी की निंदा नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, बस आप केवल मीठ श्राप छोड़ दो और गुरु से नाम ले लो, गुरु आपको नाम दे देगा, आपको शास्त्र कोई नहीं पढ़ना, ना शास्त्र पढ़ना है, ना वेद तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, रामायण नहीं पढ़ना, महाभारत नहीं पढ़ना, गीता नहीं पढ़ना, आपको मूर्ति पूजा भी नहीं करनी, तिलक भी नहीं लगाना, तीर्थ यात्रा तो करना ही नहीं है, तो पाखंड है सब कुछ। तो ये जो संत मत, जो निकला हुआ संत मत है, ये एक ऐसा पाखंड निकाल दिया 200-400 साल से, कि उस पाखंड से क्या हो गया है कि लोगों को ये धारणा बता दी गई है कि आपको जो 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 आपका वेद शास्त्र पढ़ना है, मूर्ति पूजा करना है, ये एक पाखंड है, और एक बता दी गई पोथी पढ़ मोया जग मोया पंडित भयाना, कोई 2.5 अक्षर प्रेम के सो पढ़े सो पंडित होए, ये पढ़ा दिया गया है, ब्राह्मणों के अगेंस्ट पढ़ा दिया गया है कि शास्त्र मत पढ़ो, पोथी पढ़ मोया पंडित भयाना, कोई पंडित नहीं बन सकता, ये पढ़ाया है, गलत पढ़ा गया है, ये धारणा पढ़ाई गई है। क्यों? क्योंकि पंडितों के जो ब्राह्मणों को जो शास्त्रों के हिसाब से कि तुम शास्त्र नहीं पढ़ना, ये शास्त्र जो है ये पाखंड है, और ब्राह्मण जो पढ़ने वाले शास्त्र है वो भी पाखंड है, और हमारे जो हिंदुओं में हमारे हम इतने मूर्ख हैं हम लोग, कि ऐसे लोगों की बातों में आकर अपना जो हमारा जो वैष्णव जो वैदिक पद्धति है, जो हमारा वैष्णविज्म है, जो हमारा धर्म है, जो इतना उच्च कोटि का जो धर्म है, उसी के लोगों के ऊपर डाउट कर इसे उस इन ऐसे पखंडी और जो कलयुगी गुरुओं के पीछे लोग लग गए। हमारा जो वैदिक धर्म है वो क्या कहता क्या है,
कभी आपने सोचा है? आप सोच कर देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारा धर्म क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, हर एक प्राणी जो है वो सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, जो निर्बल होता है निर्बलता, कोई भी निर्बल ना हो, कोई भी कमजोर ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मम, जितने भी जीव हैं सब लोग, सब प्राणियों का भद्र हो, शुभ हो। कौन सा ऐसा धर्म ऐसा सोचता है? सब प्राणियों का शुभ हो, कशुद दुख भाव वेद, किसी को दुख ना हो। हमारे शास्त्रों को जिसको ये संत मत के लोगों ने जिसको पखंड बताया है, बोलते तुम ये लोग, ये हिंदू क्या पागल लोग है, हिंदू लोग, ये ब्राह्मण लोग ये पखंड कर रहे हैं, क्यों ये पीपल की पूजा क्यों कर रहे हैं, ये बरगद की पूजा क्यों कर रहे हैं, ये नदियों को क्यों नहा रहे हैं। अरे हमारे शास्त्रों में हर एक प्राणी की, हमारे आज देखिए, आज जिसको ये पखंड कहते थे आज उसकी कितनी जरूरत है। कहते थे जी ये ब्राह्मण क्या लोग हैं, 24 घंटे अपने हाथ वाथ धोते रहते हैं, नहाते हैं जी, दो बार नहाना, तीन बार नहाना। आज देखो ना, आज कोरोना आ गया तो सबको अपने हाथ सफाई करके रखना पड़ता है। हमारे शास्त्र में हम पीपल के नीचे जाके, बरगद के नीचे जाके दिया जलाना, तुलसी के नीचे दिया जलाना, हमारे जो जो नदियां थी उनको दूषित नहीं करना, हमारे नदियों में नहाने का तरीका है, मैंने एक बार बताया था प्रोग्राम पे, किसी वृक्ष को काटना नहीं। आप वृंदावन में जाइए, हमारे गिरिराज गोवर्धन पर वृंदावन में भी आज भी सड़कें बनी हैं और सड़कों के बीच गवर्नमेंट कभी वृक्ष नहीं काटती, सड़क के बीच में ही वृक्ष बना रहता है, वृक्ष काटते नहीं। ये तो चलो वो तो एक अलग बात है, हमारे धाम के अंदर वृक्ष हैं, धाम में अंदर सब साधु लोग हैं वो वृक्ष, परंतु ना भी हो धाम के बाहर भी जो वृक्ष हैं, हमारे शास्त्र में ये लिखा गया है कि जो 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 पोखरा बनाना, पोखरा कहते हैं जो जलाशय है, पानी जल पीने के लिए कोई व्यवस्था करना, उसका एक पुण्य कर्म है, वृक्ष को लगाना पुण्य कर्म है। हमारे शास्त्रों में पीपल की पूजा होती है, आंवले की पूजा होती है, बरगद की पूजा होती है, बेल की पूजा होती है, तुलसी की पूजा होती है। और ये जो सो कॉल्ड संत मत वाले लोग, जो जैसे गुरु लोग जो इसको पखंड बजाते थे, आज उसकी देखिए कितनी वैल्यू है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ी आज? ये वृक्षों को हमने आजकल देखा, देखभाल किया होता हमारे धर्म के हिसाब से, तो आज आपको ऑक्सीजन खरीदनी नहीं पड़ती। ये जो हमारे सर्प हैं, जो बिच्छू हैं, किसी भी प्राणी को मारा नहीं जाता, एक पर्यावरण है। उतना ही महत्वपूर्ण सर्प है हमारे हमारे जीवन में, उतना ही महत्वपूर्ण बिच्छू है, उतना ही महत्वपूर्ण मधुमक्खी है। मधुमक्खी खत्म हो जाए संसार में, आपको पता है संसार बंद हो जाएगा। ये मधुमक्खी जो है केवल शहद निकालने के लिए नहीं है, ये पोलनाइज करती हैं जो जो हमारे जो 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 भी हमारे वृक्ष हैं, ये मधुमक्खी के कारण ही पोलनाइजिंग होती है सारी। ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे शास्त्रों में जो लिखी गई हैं, उसका शहद का महत्वपूर्ण है, ये हमारे धर्म है। नदियों को साफ रखना, नदी में जब नहाने जाते हैं तो मैंने एक बार बताया था, नदी में नहाने जाते हैं तो कभी भी नाक नहीं उसमें उसमें फेंकते, कभी उसमें कुल्ला नहीं करते, उसमें चुली नहीं करते, नदी में नदी को लेकर आचरण किया जाता है। ओम अपवित्राय पवित्रो वा सर्वस्थान गोपी वाये समृत पुंद्रिकाक्षम सर्वहायाभ्यंत सुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ओम केशवाय नमः ओम नारायणम ओम माधवाय नमः, ऐसा कर कर उसका आदर सत्कार किया जाता है, उसमें तीन डुबकी लगाई जाती है, अपने पितरों को पितृ तर्पण किया जाता है। ये हमारे शास्त्र है, ये हमारा धर्म है, ये सब प्राणियों के लिए है। मगर ना लोगों को तो ये एक, आजकल के जो ये जो लोग थे उनको तो यही धारणा करना है कि जो हमारा जो जो जो, जो वैदिक पद्धति है ये तो एक पाखंड है। और आप देखेंगे कि पर्टिकुलरली वो जो ब्राह्मणों के लिए, सन्यासियों के लिए,
एक और हमारे मेरे छोटी छोटी कितनी कितनी बातें हैं, अभी मैं आपको एक एक बात बताता जाऊंगा तो भले यहाँ पर मेरे को आप सारी सारा दिन बुलाते रहिए, 2-4-6 घंटे जितना मर्जी बुलाइए आप। एक दिल में दुख लगता है, एक हमारा धर्म जो है जिसके जिसकी जिसके लिए जो व्यक्ति है जब अपना संसार छोड़ता है, एक सन्यासी होता है, सन्यास लेता है, वो किस लिए सन्यास लेता है? एक जन कल्याण के लिए सन्यास लेता है। प्रभुपाद जी ने सन्यास लिया किसके लिए लिया? अपने लिए लिया क्या? क्या शिष्य बनाने के लिए लिया? नहीं, केवल जन कल्याण के लिए, किसी ना किसी तरह लोगों को कृष्ण की भक्ति के बारे में पता लग जाए। चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया, किस कारण सन्यास लिया चैतन्य महाप्रभु ने? 14 वर्ष की अपनी नव विवाहता पत्नी को छोड़कर, विष्णु प्रिया को छोड़कर, एक बूढ़ी माता को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु ने घर छोड़कर सन्यास लिया। किसके लिए? संसार के लिए सन्यास लिया। जो हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी थे, जो एक वजीर थे, जो वजीर कहते हैं, जो मिनिस्टर थे, सब कुछ छोड़कर किस लिए लिया सन्यास? किसके लिए लिया? ये हमारे ब्राह्मण और सन्यास है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्राह्मण का काम है संसार को गाइड करना। मान लो कोई एक आदमी ब्राह्मण को गिर जाता है, ये तो पुराने जमाने से गिरता है क्यों व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति गिर जाए वो अलग बात है, मगर ब्राह्मण जो धर्म है, जो ब्राह्मण का काम है, उसको निंदित करना कि केवल अरे छोड़ो ये तो ब्राह्मण और सन्यासी, ये लोग तो भिखारी लोग हैं, ये तो काम चोर हैं, ये लोग ये सब बताया जाता है, ये सन्यासी लोग, ये ब्राह्मण लोग, सन्यासी ये काम चोर हैं। हमारे पंजाब में बोलते हैं अपने पंजा नौ दी कमाई खाओ जी, ये सिखाया जाता है। पंजा नौ दी कमाई ये हमारी कमाई है, पंजा नौ दी कमाई खाओ जी, ये सिखाया जाता है बचपन से। और जब मैं बचपन से ये सुनता था तो मेरे को ये बात पसंद नहीं आती थी, क्योंकि ये हमारे नाखून हमारे कैसे हो गए? अरे सब कुछ भगवान का है तो ये नाखून कैसे मेरे हो गए? नहीं, मेरी कमाई है, मैं कमाता हूं, या मैं अपने हाथों से कमा रहा हूं, इसको अहम मामे थी, इसमें अभी मैं है, इसमें अहंकार है कि ये मेरा है, मैं कमा रहा हूं, मैं अपने हाथों से कमा रहा हूं। भगवान देने वाले हैं, हमारे हाथ चलने बंद हो जाते हैं। आज आप देखिए इतनी दुर्घटना हुई है इंडिया के अंदर, आज कोरोना चल रहा है, जब भी ये सेकंड वेव आई है लोग रो रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। अभी गवर्नमेंट भी क्या करेगी? आपके घर में कोई आ जाए, घर के अंदर जो चाय पत्ती है वो 5 आदमी के लिए है, और घर में मेहमान आ जाए 50, तो घर वाले को तो चिंता लग जाएगी ना, भाई हमने शादी की, शादी सोचा था 50 आदमी आएंगे शादी के ऊपर, अरे आदमी आ जाए 500, तो बेचारे जिन्होंने जिन्होंने अरेंजमेंट किया उनको तो भगदड़ पड़ जाएगी ना। अब लोगों ने खुद ध्यान नहीं दिया, और खुद कोई कोरोना नहीं है, खुद मास्क नहीं पहने। अब जब प्रॉब्लम होती है, पहले बोलते थे कोई कोरोना नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, ये गवर्नमेंट ने फैला हुआ, ये बीजेपी का कोरोना है। जब वो बोलते थे कि आप इंजेक्शन लगवा, नहीं इंजेक्शन नहीं लगवाए, कोरोना नहीं है, अब ऑक्सीजन के लिए रो रहा है व्यक्ति, तो ऑक्सीजन के लिए वो ऑक्सीजन कहां, कौन देगा ऑक्सीजन? भगवान ने ही तो बनाई है ना ऑक्सीजन, ये खैर वो एक अलग इशू है, मगर कहने का भाव क्या है कि सब कुछ देने वाले भगवान है, हम ना तो ऑक्सीजन भी नहीं ले सकते, उसको ले भी नहीं सकते, खाना है खा भी नहीं सकते, तो हमारे जो नाखून है, हमारी कमाई हमारी नहीं है, भगवान की है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जो कुछ भी संसार में है कोई किसी को नहीं दे सकता, भगवान दिलवाते हैं तो दिया जाता है, भगवान नहीं दिलवाए तो नहीं दे दिया जाता। कोई ये बोल दे कि अरे मैं बड़ा गुरु हूं, मैं लंगर लगाता हूं, मैं लोगों को खिला देता हूं, अरे आप कौन है, कौन खिलाने वाला, कौन खाने वाला, खाने वाले देने वाले ठाकुर हैं, और खाकर पचाने के लिए वो भी ठाकुर, उसकी ठाकुर की शक्ति दुर्गा देवी माता रानी जो है, जो प्रकृति जो है हमको पचाने की शक्ति देती है, ये ऑक्सीजन लेने की शक्ति देती है, ये प्रकृति ही तो देती है, ये ठाकुर नहीं देंगे तो कुछ नहीं होता। मेरे को एक कहानी याद आती है, हमारे वृंदावन में यक्ली अवध की स्टोरी है, बाद में वृंदावन में उन्होंने दीक्षा लिया, कोई व्यक्ति
मंदिर गया, जब धाम पे गया तो वहां पर उन्होंने साधु का काम है आश्रम में जाके रहा, आश्रम जी सीताराम सीताराम, वहां पर अवध में सीताराम की पूजा होती है। हम सीताराम जी की पूजा कर रहे हैं महाराज जी, और कोई आप जैसा मेरे जैसा व्यक्ति चला गया वहां पर, और जाकर सुबह सुबह वो भी उठेंगे, मंगल आरती होगी तो राम 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 राम, सुबह सुबह राम राम तो होगा ना, सुबह उठे घंटी बजी राम राम, अभी तो वो व्यक्ति आ गया हमारे जैसा। अरे महाराज जी क्या है, सुबह सुबह मैं सो रहा था, आपने सुबह सुबह घंटी बजाने लगी, आप तंग कर रहे हो। अरे महाराज जी राम जी का नाम है, सबको देने वाले वो हैं, सबको खिलाने वाले वो हैं, अरे सुबह सुबह उठकर उन्हीं का तो नाम लिया जाएगा ना। तो व्यक्ति कुछ नास्तिक प्रवृत्ति का या कुछ भी होगा, उन्होंने बोला अरे ना मैं नहीं मानता इस बात को। आप क्या नहीं मानते? अरे नहीं कि आप सब लोग आप बस ऐसे ही आप जो जो साधु लोग हैं यही बोल देते हैं कि राम जी देने वाले राम जी देने वाले। अरे मैं नहीं मानता इस बात को। तो बोले कैसे? अच्छा मैं देखता हूं मेरे को कौन देता है आज। अरे महाराज जी आपको भगवान ने देना होगा तो आपको जरूर आपको वो ही देंगे। अच्छा मैं आपको चैलेंज करता हूं, 24 घंटे आज मैं देखता हूं कि मेरे को कौन खाने को देता है। ठीक है, कभी आपकी बात सत्य हो गई, मेरे को दे दिया भगवान ने, या मेरे को किसी तरह मैंने खा लिया 24 घंटे के अंदर अंदर, तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। ठीक है, अब महाराज जी को तो राम जी पे भरोसा है सीताराम पे, वो अपनी सीताराम सीताराम सभा करते रहे। अब ये व्यक्ति ने सोचा अब क्या करेंगे, आज खाना नहीं है, प्रण लिया है कि नहीं खाना, देखते हैं इसका राम मेरे को कैसे खिलाता है जबरदस्ती। और बोलते नहीं यहां पर तो होगा तो कोई मजबूरी आके बोल देगा कई बार, क्योंकि प्रसाद जब कोई दे देवे तो लेना पड़ता है प्रसाद तुरंत, क्योंकि आदर सत्कार किया जाता है तभी का तुरंत खा लेता व्यक्ति, तो शायद कोई मेरे को आके दे देगा तो खाना पड़ेगा, ऐसा करता दूर चला जाता हूं यहां से। तो वे व्यक्ति जंगल में चला गया, दूर जंगल में जाके, यहां पर तो कोई जान पहचान वाला नहीं है, कोई आदमी नहीं यहां पर, खाने पीने की दूर की बात, आज देखते कौन मेरे को खाने को देता है और मेरे को कौन खिलाता है। तो वहां पर एक बड़ वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, बहुत बड़ा वृक्ष था, घना वृक्ष, घने वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। बोलते मैं इस वृक्ष के ऊपर बैठ जाता हूं 24 घंटे के लिए, व्रत करूंगा, आज खाना नहीं, प्रण किया मैं भी नहीं खाऊंगा आज, मैं भी देखता हूं कैसे राम जी खिलाते मेरे को। बड़ वृक्ष के ऊपर चला गया। अब बड़ वृक्ष में बैठ गया, छुप कर बैठ गया, तो वहां पर क्या देखता है कि थोड़ी देर बाद कुछ बंजारे जा रहे थे, बंजारे कहते हैं जो गाड़ी वाले होते हैं जो जिप्सीज। अब बंजारे जा रहे थे, देखे भाई बहुत गर्मी है, चलो आइए बहुत बढ़िया वृक्ष है, बंजारे वहां पर बैठ गए। बंजारे ने वहां पर बैठकर देखा भी चलो भूख लगी है चलो बनाते हैं, उन्होंने वहां पर अपना निकाला सामान, सामान निकाला, अग्नि जलाई, रोटी रोटी बनाई, सब ले लो, सब बंजारों ने खाया। तो तब बंजारे बोलते हैं अभी ऊपर से इसको जा रही है, उसकी सुगंध जा रही है, बोला आती रहे मगर मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो जाना ही नहीं, भूखा बैठा रहा। बंजारों ने खाया, खाने के बाद देखा भी चलो भी ऐसा करते हैं अभी जाना भी आगे सफर है, चलो थोड़ा सा जाने के लिए भी बंदोबस्त कर लेते हैं, अरेंजमेंट कर लेते हैं। बंजारों ने और बनाया थोड़ा बहुत दाल सब्जी जो भी कचौड़ी जो भी कुछ बनाया होगा, कुछ मीठा बनाया होगा, सब कुछ बनाकर तैयार कर लिया। तभी तुरंत वहां पर डाकू आ गए। जब दूसरे बंजारों ने डाकू देखे तो उन्होंने बोला कि ये डाकू हमको लूट लेंगे, हमारे पास धन है। अरे उन्होंने खाना वाना उधर ही छोड़ा और भाग गए डाकू के डर से। जब बंजारे भाग गए तो आप देखते हैं जब डाकू वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा अरे वहां पर तो खाना वाना पड़ा है। अब जब खाना वाना पड़ा देखा रे खाने वाला कौन है, जंगल में कौन आया? तो डाकू का सरदार बोलता कि ये जो शायद किसी को हमारा खबर लग गई है, किसी को पता लग गया है कि हम आने वाले हैं, और इसी उन्होंने किसी ने हमारे दुश्मन ने यहां पर ये व्यवस्था कर ली है, उन्होंने तो ये इसमें जहर मिला हुआ होगा। तब तो देखा देखो कोई आजू बाजू कोई है, तो तुरंत ऊपर से डर से उसके पत्ते हिलने लग गए। जब ध्यान दिया तो उसको उन्होंने उस आदमी को उतारा, अरे ये तो आदमी बैठा इसी ने बनाया किसी को, चल नीचे लाए। अब नीचे लाए तो बोलते हैं भाई ऐसा करो
इसमें तो जहर है, इसको आदमी को खिलाओ पहले, देखो इस आदमी को। वो बोलता महाराज मैंने व्रत रखा हुआ, मैं नहीं 24 घंटे के लिए खाऊंगा ना। तो डाकू का सरदार बोलता बोलता मेरे को मारो भले, मतलब कुछ भी करो, पीटो, मगर मेरे को खिलाओ मत, मेरे को जो भी लेना ले लो, मेरे को नौकरी करवा लो, कुछ भी करवा, खिलाओ मत ना। सरदार बोलता ना इसको खिलाओ, इसको खिलाओ भी ऐसे, इसको सारी आइटम, एक एक आइटम इसको खिलाओ। तो डाकू ने पकड़ कर उसको खिलाया, जब खिलाया तो उन्होंने हाथ जोड़ा, रहे महाराज मैं तो ऐसे ऐसे बात थी। तब उनको पता लगा राम की महिमा ऐसा है कि जिसको भगवान देना चाहेंगे उसको पहुंचा ही देंगे, अपनी कमाई से लेने की जरूरत नहीं है। एक एक दाने दाने के ऊपर जो हमारे साधु हैं, जो हमारे ब्राह्मण हैं, जो हमारे हमारे जो गुरु लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, वो एक भिखारी नहीं है कि वो काम चोर है इसलिए नहीं कर रहे, तो ठाकुर सेवा कर रहे हैं। आप सनातन गोस्वामी को देखिए, रोज 5 घर मांगे जाते हैं, मधुकारी कहते हैं उसको। तो ये जो हमारे जो पंडित है, पंडित की कह के ब्राह्मण गलत है, उसके बारे में विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कर्मी हस्त ने शून्य चाक्ष पाकर जो पंडिता असंदर्शन, पंडित की डेफिनेशन नहीं लोगों को पता। इसीलिए हमारे जो धर्म के पंडित ब्राह्मणों की, जो सन्यासियों की निंदा की जाती है, मगर गीता के अंदर भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण कवि हस्त ने, पंडित कौन है उसकी एक डेफिनेशन दी गई है। क्यों ये देखता है कि जो ब्राह्मण है या जो कोई गाय है या हाथी है या कोई एक जो जो कुत्ते का मीट खाने वाला है, वो भी पंडिता समदर्शना, जो उसको एक ही नजर से देखता है, एक ही वो दृष्टि से जो देखता है उनको, मात्र परदेशु पत्वश्रोश्रुता आत्मवत सर्वेशु ये पश्यति सब पंडिता। पंडित की डेफिनेशन होनी चाहिए क्या है, जो दूसरे की पराई औरत को अपनी मां की तरह माने, जो पुराया पुरा, जो 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 पुराना किसी किसी का धन है, जो ना पुराना किसी का धन है जो उसको एक केवल मिट्टी की तरह माने, और दूसरे का जो दुख है उसको दुख देखकर स्वयं दुखी हो जाए, इसको पंडित कहते हैं। यह पश्यति सब पंडिता, ऐसा व्यक्ति जो उसको पंडित कहा जाता है। और जो हमारे जो शास्त्र हैं, कभी ये नहीं कि कोई कोई राम राम अभी आ, ये सिखा दिया गया है कि राम कोई और है, ये राम की बात ही नहीं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम सबका न्यारा, ऐसी भावना ये दुष्प्रचार किया गया है हमारे संस्कृति के साथ, हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो जो हमारी पद्धति है, कलयुग के प्रभाव के अंदर ये 400-500 साल से ऐसे जो लोग आए हैं जो कि साधारण लोग उनको संत मानते हैं, वो संत नहीं है। सो साधारण लोग मानते हैं उनको, मानते कि ये दशरथ का ये राम जो है, राम का नाम बोलते, ये राम का हम हिंदुओं के राम का नाम ही नहीं ले रहे, ये तो राम और है कोई, ये राम दशरथ का बेटा ये कोई और है, ये हमारा राम और है, हमारा ना राम निराकार है। तो ऐसे लोग जो हैं वो हमारे वो आधारहीन है, कलयुग है, वो संतमत नहीं है। संतमत जो संत सदैव हृदय विलोकित यं श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंद महादि पुरुषोत्तम, ये शास्त्र हैं, ये हमारे जो द्विवेद हैं, जो शास्त्र हैं। कई बार बोलते थे ये पंडित लोग, ये तो ये किताबी नॉलेज है जी, जैसे हम बोलते हैं अभी आपके सामने मैं बोल रहा हूं, हमारा गुरु जी की कृपा से जो भी कुछ हम बोलते हैं ये कोई उन्हीं का प्रभाव है, ये समझ लीजिए कि हम एक दर्पण की तरह हैं, ये ज्ञान उनका है और आप हमारे से परछाई से निकल कर आपके पास आ रहा है, हमारे पास नहीं है कुछ भी और हमारे पास था भी नहीं, ये तो हमारा गुरु जी का कृपा है कि उनके कारण ये हमको ये जो भी कुछ थोड़ा बहुत जो भगवान के विषय में अथास मंत्र है भगवान का, और कह देते हैं कि ये किताबी नॉलेज है, ये तो किताबी हैं जी, ये जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे वैष्णवी हिंदुओं के शास्त्र हैं वो किताबी हैं, और आजकल इन इन गुरुओं ने जो अपनी किताबें लिखी हैं वो ग्रंथ बन गए, उनके उनकी किताबें ग्रंथ और हमारी किताबें किताबें,
हमारे ग्रंथ किताबें और उनकी किताबें ग्रंथ है। या हमारी नदियां जो हैं, हम नहाए तो वो लोग बोल देते हैं जी अरे नांदे तोते आपको वो एक देर वर्स एक सेकेंड मेरा प्लीज अनम्यूट। या एक पंजाबी में कहते हैं अभी जी वो पंजाब में कि जे रब मेरे नांदे तोते मिले डडुआ मछियां। इसका अर्थ है कि कभी भगवान मिलेंगे जो नहा कर किसी को भगवान मिलते हो तो भी वो डड्डू या मच्छी जो मेंढक है या मच्छियां हैं उनको मिल जाए तो नहाने धोने से थोड़ी भगवान मिलते हैं। हमारे को नहाने धोने से हमारे नदियों की हमारे 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 शास्त्रों की जो निंदा की गई है और खुद के तालाब में पोखरा में नहाएंगे तो वो तीर्थ। और हमारे जो तीर्थ हैं जो हमारे वैदिक तीर्थ हैं जो हमारे नदियां हैं हमारे तीर्थ हैं हम गंगा जी में जाके नहाए तो वो पाखंड है। तो ऐसे लोग जो हैं वो संत नहीं हैं। भले बड़े बड़े धर्म बन जाएं उसके नाम के ऊपर मगर वो कलयुग है उसके बारे में हमारे शास्त्र में एक बात कही गई है। ये अप संप्रदाय है। इसके बारे में लिखा गया हर गुरु निंदक दादुर होए जन्म सहस्त्र पान तनु सोए। इसके बारे में बात लिखी गई है जो व्यक्ति हरि का विष्णु का जो व्यक्ति गुरु का वैष्णव गुरु का निंदक है जो जैसे ये निंदक है निंदा करते हैं इन लोगों की योनि क्या मिलेगी इनको। तुलसीदास जी कहते हैं हमारे वो कहते हैं दादुर होए ये लोग जो हमारे शास्त्रों को वेद शास्त्रों को जो हरि की विष्णु की निंदा करते हैं जो कहते हैं कि विष्णु को छोड़ दो इसके ऊपर गुरु उसके ऊपर है तो वो निंदक हैं भगवान के निंदक हैं। और उनका उनका हशर क्या होगा दादुर होए उनको मेंढक का जन्म मिलेगा। कितने जन्म मिलेंगे सहस्त्रों जन्म मेंढक पाए तनु सोए उनको मेंढक का जन्म मिलेगा। तुलसीदास जी एक और बात कहते हैं वो कहते हैं सुश्रुति निंदक जे अभिमानी जो अभिमानी है जो देवी देवताओं की जो निंदा करते हैं जो हमारे वेद शास्त्रों की निंदा करते हैं रौरव नरक परहित प्राणी ऐसे प्राणी जो हैं ये रौरव नरक में जाएंगे। अब साधारण लोग भले उनको संत माने मगर हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो गुरु ये बोलता है कि देवी देवता को छोड़ दो आप भगवान को छोड़ दो शास्त्रों को छोड़ दो उसका गुरु का नाम लो तो उसके भी उसके विषय में घोर कलयुग प्राप्त वेद मार बहिष्कृत पखंडम प्रसिद्धम वे सर्वे प्रकीर्ततम। राम जी ने कहा कि ये केवल पखंड है। और मेरे को एक और बात याद आती है उसके उसके लिए तुलसीदास जी ने एक और बात कही है श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुक्त विरक्ति विवेक। वो कहते हैं ते ही ना चली नर मोह बस कल्पी पंथ अनेक। ये कलयुग में लोगों ने अनेकों पंथ तैयार कर लिए हैं कलयुग पंथ अनेक। तो हमारा इतना भाग्य है कि प्रभुपाद जी ने हमको इन सब नकली जो लोग हैं इनसे बचाया है। और चेतना महाप्रभु ने कहा है अजगल स्तन न्याय अन्य साधन जितने भी ऐसे ऐसे साधन हैं ये केवल अजगल लगते हैं अजगल स्तन। जैसे बकरी के आप देखेंगे कि जो बकरा होता है बकरे के गले में ऐसे स्तन लगे होते हैं वो जो उसके गले में स्तन लगते हैं वो ऐसे लगते हैं कि जैसे वो स्तन है मगर वो बकरे वो स्तन उसमें से दूध नहीं निकलेगा। अतएव हरे बुज्जे बुद्धिमान ये ऐसे धर्म लगते हैं धर्म है परंतु वो एक्चुअली धर्म नहीं है। और हमारे भागवत के अंदर कहा गया कलितो निदराजन हस्ती एको महान गुना कीतना देव कृष्ण संग मुख संग प्रमुख। ये जो हरि कीर्तन है कलयुग में दोष ही दोष है। कृष्ण वनं तुषे कृष्ण संगा पंगास्त पास्तम यज्ञ संकीर्तनाएं प्रयाय जजंती ही सुमेध से। और जो सुमेध से जो बुद्धिमान है वो चेतना महाप्रभु की भक्ति करेगा कृष्ण की भक्ति करेगा कृष्ण वर्णन तुषे कृष्ण कृष्ण जो कि सांवले रंग में नहीं आते हैं जो यज्ञ संकीर्तन करके दिखाते हैं चेतना महाप्रभु उनकी भक्ति करते हैं।
और उन्होंने हमको शास्त्र के हिसाब से बताया है। शास्त्र के हिसाब से जैसे जो भक्ति होती है वो शास्त्र के बगैर नहीं होती। जो लोग हमारे नारद जी को बोल देते हैं जी नारद जो चुगल खो रहे हैं, ये भी यही लोगों ने प्रपंच शुरू किया है पंजाब में हमारे में। नारद जी को इतने बड़े महान हमारे देवताओं के 24 जो 33 कोट देवीता देवता हैं उनके गुरु हैं वो। बृहस्पति जैसे जो गुरु हैं, बृहस्पति जो कि देवताओं के जो पुरोहित हैं, वो भी नारद जी को गुरु मानते हैं। और नारद जी जो कि व्यासदेव जी के गुरु हैं, जो कि ध्रुव महाराज के गुरु हैं, जो प्रहलाद जी के गुरु हैं, ये लोग उनकी निंदा करते हैं, उनको चुगलखोर बोलते हैं। तो उनका जो जो हशर होगा वो जो रौरव नरक परहित प्राणी, केवल उनका हशर रौरव नरक ही बनेगा, उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भले दुनिया समझती हो, और हमारे शास्त्र में लिखा गया श्रुति स्मृति प्राण आदि पंचरात्रि विधि निवनगा हरांत की हरे अकांत की हरे भक्ति उत्पा देवी कल्पते। तो भगवान की जो भक्ति करनी है वो शास्त्रों के साथ, श्रुति और स्मृति वेद पुराणों के साथ। और जैसे हमारे नारद जी ने पंचरात्रि की विधि बताई है कि किस तरह हम आरती पूजा करते हैं वो करनी है, और जो नहीं करता इस तरह, ये शास्त्र विधि उस सज्जे वर्तते काम कारदात ना सिद्धि वापनोती ना सुखम ना पराम गति। भगवान कहते हैं कि जो शास्त्रों को नहीं मानता, जो वेद शास्त्रों को नहीं मानता, जो गुरु ये बोलता है कि तुम वेद शास्त्र रामायण गीता छोड़ दो, तो समझ लो ना सिद्धि वापनोती, उसको सिद्धि वृत्ति नहीं मिलेगी, ना सुखम ना पराम गति। सुख की बात तो छोड़ दो, परम गति तो बहुत ही बड़ी दूर बात है। तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो हमारी गुरु परंपरा है, ये जो गुरु परंपरा जिसके विषय में मैं कर रहा हूं, एवं परंपरा प्राप्त हूँ राजेश्वर विदु की, ये जो हमारा ज्ञान है ये गुरु की परंपरा के आया है। मैंने अभी पिछले पहले आपको मायावाद के बाद में बताया, आज मैंने आपको नकली मायावाद के बाद में बताया। अभी जब मैं गीता के चौथा अध्याय हम पढ़ रहे हैं, जब 34वें श्लोक में आऊंगा, तो वहां पर गुरु की महिमा की, गुरु की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। और शायद मैं सोचता हूँ कि शायद अगले सप्ताह गुरु की क्वालिटी की, गुरु जो है उसके क्या लक्षण होने चाहिए, किस तरह का गुरु प्राप्त होना चाहिए, उसके हिसाब से भी मैं बात करूंगा। और मैं जो हमारा प्रोसेस दिया हुआ है, साधु संघ नाम संकीर्तन भागवशन मथुरा वास श्रीमत श्रद्धाए सेवन, जो हमारा जो प्रोसेस है कि शास्त्र के हिसाब से जो साधु संघ वैष्णव साधु संघ नाम संकीर्तन करना है, भागवत को शास्त्र को पढ़ना है, और मथुरावास जो हमारे तीर्थ हैं वहां पर जाना, साधु का संग करना, और मूर्ति सेवा, मूर्ति भगवान की विग्रह का घर में, गौर निताई का, राधा कृष्ण का, गोपाल का, जैसे हमारे देखते हैं यहाँ पर हमारे इंदु माता जी हैं और सुंदरी हैं मेरी गॉड सिस्टर्स, किस तरह उन्होंने घर में गोपाल जी रखे हैं, गोपाल को खूब खिलाते हैं खूब पिलाते हैं, और जो हम वत्सल्य भाव में भगवान की वैसे पूजा कर सकते हैं, तो इससे भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित होता है। तो आप सब लोग ये करिए, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ अपने गुरुदेव का, श्रीला प्रभुपाद जी का, और जिनके कारण हमको भगवान कृष्ण के बारे में, गीता के बारे में, भागवत के बारे में ये कुछ थोड़ा बहुत जानने को मिला, और आपके साथ उसको मैंने शेयर किया है। और मैं निवेदन करता हूँ कि किसी का प्रश्न इस विषय में हो तो वो मेरे को पूछे, कभी इस विषय के अलावा प्रश्न है तो वो मेरे को सेपरेट पूछ लें, क्योंकि फिर समय जो हमारा टॉपिक है जो वो अलग हो जाता है। तो जो आज का जो मेन जो विषय है, कभी आपका प्रश्न इस विषय के साथ है तो आप मेरे को पूछिए, नहीं तो आप मेरे को पर्सनली ईमेल कर सकते हैं, या आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप तब मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं आपको, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं इस विषय के साथ हो तो कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सर्वमा जी। हरे कृष्णा प्रभु। जो अभी आपने बताया चैतन्य महाप्रभु का कि उनकी पत्नी अभी 14 वर्ष की थी और उन्होंने संन्यास ले लिया, तो उनको पीछे लुक आफ्टर वाला कोई था क्या मुनासिब होगा? हाँ, ये इसी को आश्रय कहा जाता है, इसी को आश्रय कहते हैं। जब
जो साधारण व्यक्ति है वो सोच में डर जाता है कि कैसे होगा, कौन दुख देखभाल करेगा, कौन क्या करेगा। मगर जो जो अवश्य रक्षति कृष्णा, जो शुद्ध भक्त होते हैं, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है साक्षात, मगर हम लोग उन्होंने सिखाया है कि जब आश्रय, इसी को आश्रय कहते हैं, इसी को पूर्ण समर्पण कहते हैं। जैसे हमारे रामानुजाचार्य हुए हैं, और रामानुजाचार्य जी के जो गुरु थे उनका नाम था यमुनाचार्य जी। तो यमुनाचार्य जी भी अपने जैसे घर गृहस्थी में थे, तो घर गृहस्थी में थे तो सोच रहे थे क्या करूं, तो कैसे छोड़कर संसार को जाऊं। और जब इसका सोच रहे थे तो ये एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, और वृक्ष के नीचे बैठते थे कि सोच रहे थे कौन मेरा पालन करेगा, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को कौन पालन करेगा। तो जब वो ऐसे सोच रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि वृक्ष के ऊपर कुछ छोटे छोटे बच्चे, और वहां पर किसी शिकारी ने चिड़िया को मार दिया। जब चिड़िया को मारा तो अब चिड़िया तो मर गई, जो भी नर और मादा, वहां पर छोटे छोटे बच्चे रह गए, वो ची 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 कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से निकले भी नहीं अंडे में से। तो यमुनाचार्य जी उनको देख रहे हैं, तो देखने के बाद वो सोच रहे हैं, अभी देख ही रहे थे तो अभी क्या देखते हैं कि वहां से एक छोटा सा कीड़ा चल के चला, और इसे चढ़ता 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 उसा के उस बच्चे के मुंह के अंदर चला गया। तो तभी यमुनाचार्य जी ने तभी तभी एकदम उन्होंने सोच लिया, अरे वाह, भगवान सबकी लुक आफ्टर करते हैं, भगवान सबको देने वाले हैं। उसका उसके माँ बाप भी मर गए, मगर भगवान उसको अपने आप दे देते। जैसे मैंने लिखा ना, खाने खाने पे वो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बच्चा पैदा बाद में होता है, माँ के स्तनों में दूध पहले आ जाता है, तो उसकी चिंता हम लोग करते हैं, इसी को माया कहते हैं। रते अर्थम यत प्रति मात प्रति आत्मनि तद्वे देदात्मनो माया यथा वासो यथा तमः। इसीलिए हमारा भी पूर्ण विश्वास नहीं है। जब तक हमारा पूर्ण विश्वास नहीं होता भगवान में, तो हम सोचते हैं कि कौन उनको लुक आफ्टर करेगा। तो वहां पर वो बस वो 24 घंटे वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और 24 घंटे वो चेतना उस कृष्ण का नाम लेते लेते, उनकी जो पत्नी विष्णु प्रिया जो जो उनकी थी, वो एक माला करके एक चावल का दाना निकालती थी, एक माला करके। एक माला करने में आपको लगता है 5-7 मिनट लग जाते हैं, 5 मिनट तो लगा ही लो, 7 मिनट अच्छा है, 5 मिनट थोड़ा सा जो अभ्यास हो जाता है उनको, 5 मिनट में तो एक चावल का दाना साइड पे रख देती थी। जितनी मालाएं करती थी उतने चावल के दाने रख देती थी, बस उतने ही चावल वो हर रोज खाती थी बस। तो इसी तरह महासची 24 घंटे वो चेतना महाप्रभु कृष्ण का नाम लेती थी। तो लुक आफ्टर करने वाले भगवान हैं, भगवान सब प्राणियों की लुक आफ्टर करते हैं। और ये जीवन बहुत छोटा है, हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, परंतु हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे पास आज मैं आपके साथ कथा कर रहा हूं, कुछ मेरा भाग्य है कि मैं आपके साथ कथा करके मेरी भी, इसमें ये नहीं होता हमारी शुद्धि होती है, कथा करने वाले की कहने वाले की दोनों की इक्वल शुद्धि होती है। मेरा भाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, शायद आपके भाग्य में है कि कृष्ण की कथा सुननी थी आपको, मैं नहीं होता तो कोई और होता। तो ये भगवान की कृपा है, तो भगवान का आश्रय, भगवान देखभाल करते हैं। ठीक है, जी प्रभु, थैंक यू। जी नो प्रॉब्लम। किसी और को कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूं। ठीक है, तो किसी का नहीं प्रश्न है तो मेरा निवेदन है आप सब लोग, और हाँ, मेरा ख्याल अगले सप्ताह के बाद यहाँ पर हमारे नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, मेरे को डेट याद भूल गई उसकी। नरसिंह चतुर्दशी के 2 प्रोग्राम मैं करना चाहता हूँ आपको, मेरा ख्याल बीच में ही, मैं गीता का प्रोग्राम है मेरे ख्याल इसके, ये एक लेक्चर के बाद दूसरा, शायद मैं आपको डेट भेज दूंगा 26 मई जी, 26th को है ना? जी। हाँ, तो 26th को, ये सोमवार को आता है, सोमवार आ रहा है ना ये? 25 25 प्रभु, 25 25th 25 कौन सा दिन आ रहा है ये? मई, ये ट्यूसडे है। हाँ, 27 है ना? तो उससे पहले मैं आपको जो भगवान नरसिंह देव की कथाएं हैं, मैं शायद, मेरे को लगता नहीं कि एक 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 में पूरी हो जाएंगी, क्योंकि उसमें भगवान की जो जो हमारे ऑडियो ऑफ कर, तीन तीन वीक आ रहे हैं बीच में।
हाँ तो शायद एक के बाबू मचन अच्छे किसी का। तो हमारे जो जो साउथ इंडिया में जो मंदिर हैं, और पर्टिकुलरली पानक नरसिंह देव और हमारा खुद का जो मंदिर है इस्कोन का मंदिर मायापुर में, उसकी काफी कथाएं हैं। तो मैं देखता हूँ कि शायद आपको एक हफ्ते में कभी हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू। तो वो आपको, क्योंकि नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा जरूर पता हो, भगवान नरसिंह के बारे में। तो मैं बिल्कुल एक हरे कृष्ण। हाँ अच्छा बाबू, अच्छा, व्हाट्सएप नंबर कभी, अच्छा आप यहाँ पर हैं तो ओके, कैन यू सेंड द नंबर? प्रभु जी, हरे हाँ बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जी, हाँ जी, हरे कृष्ण सुधीर जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्वेश्चन यह था प्रभु जी, एक कहीं पर हम अभी एक क्लास कर रहे थे तो उसमें देखे थे, लिखा हुआ था अन्न माया, प्राण माया, ज्ञान माया, विज्ञान माया और आनंद माया। हाँ तो मुझे ज्ञान माया तो समझ में आ रहा था, लेकिन विज्ञान माया और आनंद माया क्या था प्रभु जी, कुछ थोड़ा बता सकते हैं क्या? ये बस रहने दीजिए, ये सब ये अपने अपने लोगों ने आजकल नए नए शब्द ऐसे ही बना लिए हैं, ये कोई शास्त्रों का प्रमाण नहीं है ये वाला, ओ अच्छा ठीक। ये सब मनगढ़ंत है। ऐसे जैसे आजकल अभी इन्होंने एक शब्द योग बना लिया है, किसी संत मत वालों ने, किसी ने अभी एक हास्य योग बना लिया है, अलग अलग योग नाम रख लिया इन लोगों ने। तो ये जी अलग जी 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 अलग ऐसे नए नए नाम ढूंढ लिए लोगों ने, तो ये कोई प्रभु ऐसा जी, ऐसा कुछ नहीं है। माया मीन अलूजन, और जो भी कृष्ण का संबंध नहीं है वो एक ही माया होती है, माया के अंदर है जो योग। हाँ, एक योग माया है, एक महामाया है। जो योग माया है वो है अध्यात्म संसार, उनको कहते हैं लादनी शक्ति, राधा जी, लक्ष्मी जी, और बहिरंगा जी शक्ति जो है हमारी दुर्गा जी। तो ये जी हमारी महामाया, तो दो मायाएं हैं बस, एक महामाया, एक योग माया, जी तो दो लेकिन है। लेकिन प्रभु जी, ये तैतरीय उपनिषद में 2.5 में ये मैंने उल्लेख किया हुआ है कि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये पांच, उस मतलब से पांच स्तर बताया गया है। उसमें ये बताया गया था अन्न माया, प्राण माया, ज्ञान माया, विज्ञान माया और आनंद माया। हाँ, इन्होंने आजकल क्या है, कितने भी ऐसे शास्त्रों में भी इन्होंने कुछ लोगों ने अपने अपनी उस पे धारणाएं जोड़ दी गई हैं कई बार, तो जी इसीलिए जी तो जो एक्चुअली उपनिषदों में है, मगर जो हमारा जो तत्व है, जब आप भागवत पढ़ते हो तो गीता पढ़ते हो तो आपको उन उपनिषदों पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, जी क्योंकि जी 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 क्योंकि ये जो है ये तत्व है। अब हम 108 उपनिषद पढ़ने जाएंगे तो हम समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि वो जो उपनिषद है अलग अलग ऋषियों ने लिखे हुए हैं, अपनी अपनी धारणाएं लिखी हुई हैं। जी 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 तो प्रभु इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम सीधा तत्व लेके जा रहे हैं गीता के ऊपर। गीता में जो है वो भगवान के मुख से निकली है, तो अच्छा जो जी गीता उपनिषद है ये सबसे जी उत्तम उपनिषद है। तो ओ जो गीता उपनिषद है उसके हिसाब से जो है हमको जो जो आ, म, आ, जो भगवान कहते हैं कि जो गीता के अंदर जो हमारा जो ज्ञान है उसमें जो ये इस प्रकृति के परे एक और प्रकृति है जिसको परा प्रकृति कहते हैं, तो परा प्रकृति और ये अपरा प्रकृति, तो इसलिए ये इजी है समझना हमारे लिए, भगवान ने सब इजी कर दिया है। ठीक है, ठीक है प्रभु। मैंने आपको भेज दिया है बाबूजी, वो जो मैसेज भेज दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, आपसे मैं अभी आज्ञा लेना चाहता हूँ। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक हरे कृष्ण, यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ जी प्रभु जी, ठीक है बिल्कुल। हाँ जी, हरे कृष्ण। भावना कैसी हो? हरे कृष्ण प्रभु वेरी नाइस, प्लीज कंटिन्यू चैंटिंग। हरे ओके, हरे कृष्णा बाजी जी, थैंक यू ना, माया, अरे अरे कृष्ण सारे सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया हमें। मिल गया ना इंदु माता जी, आपको भी मिल गया क्या? नहीं,
हाँ जी प्रभु जी मिल गया। हाँ जी हाँ जी बहुत प्रश्न थे और बहुत सालों से घूम रहे थे दिमाग में, सबके प्रश्न आपने दे दिए। नहीं बस पूनम, पूनम भी आई आज? पूनम आई थी क्या? हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी बस मेरे को एक ही दुविधा है, ये मायावाद कभी फिनिश हो सकता है? हमारा शास्त्र कैसे बचेगा, बस मैं इसके लिए वरीड रहती हूँ। अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूँ की बाकी सब थोड़ा अनम्यूट अपने को म्यूट कर ले, तो मैं पूनम का जवाब, पूनम से बात कर लूं। पूनम माता जी, जो आप सोच रहे हैं उसका यही जो आपकी जो जो सोच है वही मेरी बचपन से सोच थी जब मैं छोटा सा था। ओके। और उसी का जो जो उत्तर है जो प्रभुपाद जी ने और हमारे चेतना महाप्रभु ने जो दे दिया है, और इसके लिए जो कलयुग के प्रभाव में ये खत्म होने का तरीका एक ही है कि आप इसका जैसे जो जो हाथ में बीड़ा है जब भी देखते हैं कोई किसी प्राणी को बचाइए लोगों से, क्योंकि लोगों को आप बचाएंगे एक आध को भी बचाएंगे, एक आध को भी पता लग गया कि ठाकुर जी की जो, देखिए पुराने जमाने में एक और ही बात थी कि हमारे में सब राक्षसों को भी पता होता था कि एक सेकंड ये म्यूट कर ले बात हो जाए। पुराने जमाने में क्या था पूनम माता जी, क्या होता था बहन जी, हमारे तो माता जी इसलिए बोलते कि सबको बोलते प्रभुपाद ने बोला है, तो पुराने जमाने में जो बड़े बड़े राक्षस होते थे तो उनको भी पूछा जाता था कि भगवान कौन है, तो बोलते थे विष्णु भगवान है। हाँ जी, किसी भी राक्षस को पूछ लेते थे, किसी भी दुष्ट प्राणी को पूछते थे कि कौन है भगवान, बोलते विष्णु, उससे ऊपर और कोई नहीं है। मगर आज इतना हमारा बुरा हाल हो गया है कलयुग के प्रभाव में, बड़े बड़े संत लोगों को पूछे कि भगवान कौन है, बोलता नहीं जी भगवान विष्णु रास्ते में है, गुरु जी ऊपर सचखंड पे बैठे हुए हैं। आपकी बात से कोई व्यक्ति था, जब वो जो होते है ना क्रैब्स, क्रैब्स कहते हैं वो जो केकड़े होते हैं, तो क्रैब क्या करते हैं कि उनका जब सीजन होता है तो वो अपने अंडे हैं वो समुंदर से बाहर देते हैं जाके। तो जब समुंदर से बाहर देते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो जब वो थोड़े से निकलते हैं और वो जो जो बच्चे होते हैं वो समुंदर पानी की तरफ जाते हैं क्योंकि पानी में रहते हैं वो। अब पानी में जाते हैं तो कई बार वो कड़क धूप होती है तो उसमें मर जाते हैं काफी बच्चे जो होते हैं। तो एक बार ऐसे ही जो जब जो क्रैब्स थे वो जब उन्होंने बच्चे वगैरह दे दिए और बच्चे पानी में जा रहे थे तो कितने वो असंख्य क्रैब थे वहां पर, हजारों की हजारों हजारों लाखों की संख्या में वो थे। तो अब ऊपर से धूप पड़ रही थी, अब धूप में वो मरते जा रहे थे। तो एक कोई साधु था आपके जैसा, उसने क्या किया, एक क्रैब उठाया और ऐसे उठा के समुन्द्र में फेंकने लग गया। तो कोई ऐसा मेरे जैसा आदमी आया, बोले अरे ये क्या कर रहे हो आप? बोला मैं इनको पानी में फेंक रहा हूं। बोलते यहाँ तो क्या फर्क पड़ेगा, इतने हजारों और लाखों में किस किस को आप फेंकोगे, किस किस को बचाओगे? तो उसने व्हाट डिफरेंस डज इट मेक इफ यू सेव क्रैब। तो उसने एक और क्रैब को उठाया, बोलता भले ये किसी और को, सबको तो मैं नहीं बचा सकता, मगर ये उसने एक और केकड़े को उठाया पानी में फेंक दिया, बोलता एटलीस्ट ये तो बच गया ना। तो हम सारे संसार को तो नहीं बचा सकते, एटलीस्ट हम एक दो या अपने आप को तो बचा ही सकते हैं ना इससे। हाँ, अपने आप को बचाने के लिए तो ऑलवेज प्रे करते हैं कि भगवान अपनी शरण में रखना। मैं आपको आपको ये मैं दे दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, जो लोग इस तरह भगवान को जो बोलते हैं कि भगवान नीचे हैं और गुरु ऊपर है, उनका जो हशर है, भले वो बड़े बड़े पंथ हैं, भले बड़े लाखों करोड़ों आदमी उनके पास जाते हो, मगर हमारे शास्त्र के हिसाब से उनको लिखा गया है हरि गुरु निंदक दादुर होए जन्म शास्त्र पान तन सोए। वो लोगों को दादुर का जन्म मिलेगा, उनको मेंढक का जन्म मिलेगा, क्योंकि वो भगवान की निंदा कर रहे हैं, वो नारद देव जी की निंदा कर रहे हैं, देवी देवताओं की निंदा कर रहे हैं। शुरुश्रुति निंदक जे अभिमानी, जो अभिमानी जो भी गुरु आज इंडिया के अंदर पंजाब में या कहीं पर भी जो लोग ये बोलता है कि तुम शास्त्र को छोड़ दो, ये देवी देवता खराब है, ये माया है, ये पखंड है, जैसे अभिमानी जो लोग हैं, रौरव नरक पर ही ते प्राणी, वो रौरव नरक में जाने वाले लोग हैं। तो हम तो गुरु कभी नहीं बोलता, जैसे अभी मैं आपको कोई भी पढ़ाए
गुरु तो एक प्रतिनिधि है, वो तो एक एक जैसे जैसे वो जो मान अभिमान नहीं कर सकते, वो तो केवल यही कहते कि भगवान प्रभु आप ही सब कुछ है, भगवान की पूजा करने से, भगवान से ऊपर कौन है देखिए, तो जो भगवान है उसी की तरफ लगाए, सही गुरु वही है जो कि भगवान की तरफ लगाए। तो अभी मैं आपको अगले लेक्चर में शायद मैं गुरु के विषय में देखता हूँ कैसे होता है जो अगला लेक्चर है, आप अपना लेक्चर प्लान करना प्रभु जी, ज्वाइन करेंगे हम आपको। चलेगा अभी ये तो चलता ही रहेगा, मैं आपको अभी अगले लेक्चर के साथ फिर आपको मैं शायद उसका मैं देखता हूँ शायद वही आपको डिस्कस गुरु की क्वालिटी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस प्रोग्राम था आपका, थैंक यू, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।